हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये डेडिकेटेड डीएलएड 2019 बैच प्रशिक्षुओं से रिलेटेड और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी के जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो फ्रेंड्स हम सबका कमेंट्स तो नहीं ले सकते, लेकिन ओनली स्पेशली आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड ज़रूर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स होंगे उनको भी ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये डाउट है और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, किस चीज़ की तैयारी करें। स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने देखा होगा सीटेट का जो फॉर्म है वो तो ऑनलाइन हो ही रहा है, ठीक है। अब यूपीटीईटी का जो फॉर्म है वो आपका 7 जो है अक्टूबर से ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को सिंपली पता है टेट जो कंडक्ट कराता है वो कराता है पीएनपी, और जो आपका सीटेट कंडक्ट होता है वो कराता है सीबीएसई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि आप सभी को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं क्या उनको मौका दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में ही हम चर्चा करने के लिए ये वीडियो सेपरेट आप सभी के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, आप सभी को हमने पहले भी बताया है कि अगर आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक है तो एनसीटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप सभी टेट हो या फिर सीटेट, वो चाहे पीएनपी कंडक्ट कराए या फिर सीबीएसई कंडक्ट कराए, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपके पास अर्हता है। यानी कि आप सिंपली, आप सभी को पता है आपने सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया और आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक है, तो इसे हम सब्जेक्ट बैक बोलते हैं, ना कि सेमेस्टर बैक। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 या फिर 3 से ज़्यादा बैक है तो उनका जो है सेमेस्टर ही बैक हो चुका है। तो फ्रेंड, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रिजल्ट के लिए पीएनपी ने कहा है, उपाध्याय जी ने कहा है कि जल्द से जल्द जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। और कापियों का जो मूल्यांकन है उसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 18 अक्टूबर तक किसी भी हालत में संपन्न करने की बात बोली गई है। चैनल के साथ आप सभी बने रहें, आप सभी को आपके कोर्स, आपके डीएलएड से रिलेटेड, टेट सीटेट से रिलेटेड सारी अपडेट आप सभी को इस चैनल पे दी जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, क्लासेस की टाइम टेबल्स आप सभी को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है आप सभी के पास। तो आप ये समझ गए ना कि टेट और सीटेट के लिए कौन से प्रशिक्षु एलिजिबल होंगे। अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में, अब तो आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है, आप प्रिपेयरिंग में फॉर्म फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी, अगर आपका एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप वैसे ही एलिजिबल है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार। रिजल्ट आपकी थोड़ी देरी भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन भी प्रशिक्षुओं का सेमेस्टर बैक है तो उनको रिजल्ट का वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि अब इसको लेकर कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। बाकी जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं तो वो तो एलिजिबल है ही, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके छात्रवृत्ति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा कि पहले तो एसटी प्रशिक्षुओं का बहुत पहले ही आ गया था स्कॉलरशिप, और अब एससी जो भी अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु थे उनका भी 44 से 45 हज़ार आप मान सकते हैं उनका भी स्कॉलरशिप आया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका स्कॉलरशिप कम आया है, तो आप सभी उसको लेकर परेशान मत होइए, आप सभी का पूरा स्कॉलरशिप धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। और जिन भी प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप नहीं आया, जैसे कि एससी एंड एसटी को प्रोवाइड कर दिया गया है, अब बचे हैं अल्पसंख्यक, ओबीसी और जनरल प्रशिक्षु, और उनकी भी स्कॉलरशिप आएगी। इसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए कि पता नहीं हमारा आएगा कि नहीं, तो आप सबका आएगा, क्योंकि बार बार समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये कहा गया है
कि देरी उनकी वजह से ही हुई है, बैंकों में विलय हुए, ठीक है, इस वजह से आपका जो सत्र है, जो स्कॉलरशिप है, इसमें देरी हुई है। तो एससी एंड एसटी का लगभग स्कॉलरशिप आ चुका है और इससे रिलेटेड हमने आप सभी को वीडियो भी प्रोवाइड करा था। अब देखिए जो आपका स्कॉलरशिप है वो भी जल्द आएगा। अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है, अहम मुद्दा, कि क्या बैग प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप आता है? तो जी हाँ, बैग प्रशिक्षुओं का भी स्कॉलरशिप आता है। आप सभी इसको लेकर परेशान बिल्कुल ना होइए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कमेंट्स था, वो चाहे एससी कैटेगरी के हों या फिर एसटी के हों, क्योंकि अभी तक उनका ही तो आया है। तो फ्रेंड्स, जिन भी प्रशिक्षुओं का बैग लगा था उनका भी स्कॉलरशिप आया है, ठीक है। तो आप सभी इसको लेकर परेशान मत होइए, आप जो अगला एग्जाम है इस पर फोकस करिए। साथ ही जो भी बैक प्रशिक्षु हुए वो अपना मेन सब्जेक्ट यानी कि फोर्थ सेमेस्टर पर भी फोकस जरूर करें, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आता है आप सभी का, तो जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि फोर्थ सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, ताकि आपको भी आगामी भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। और आपने ये ई पेपर वाले भैया ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए 12,000। अब देखिए बहुत सारे जो भी प्रशिक्षु हैं उनके छात्रवृत्ति में देरी इसलिए भी हुई क्योंकि संस्थानों की तरफ से सुस्ती बढ़ती गई, देख सकते हैं, क्योंकि संस्थान भी है लापरवाही, फीस के लिए तो वो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब छात्रवृत्ति की बात आती है तो वो लोग कोई भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन या फिर जब फॉरवर्ड करने की बात आती है, मास्टर डाटा फिट करने की बात आती है, तो जो संस्थान है वो लापरवाही बरतते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रशिक्षकों का अभी तक नहीं आया है। तो यही सारी बातें इसमें मेंशन की गई है, और जैसे ही आप सभी के स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो फ्रेंड्स आप सभी को ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।